की मांगों को लेकर हमारे बीच में है मनीषा कारेली जी, आइए उनसे हम जानकारी। मनीषा जी, आज आप एक महिला हैं और आकाशवाणी में या प्रसार भारती में काम कर रही हैं, तो क्या आपकी मांग है, किन मांगों को लेकर आप लोग यहाँ आए हैं? धन्यवाद जी, आप यहाँ आए और आपने हम लोग को सपोर्ट किया, इसलिए आप लोगों का पहले धन्यवाद। एक्चुअली जैसे बाबा साहब ने हमें सिखाया, तो बाबा साहब का मैं पहले धन्यवाद करूँगी कि अगर उनकी सीख नहीं मैं मुझ तक पहुँचती तो आज मैं यहाँ खड़े रह के आपके सामने भी बात नहीं कर पाती। तो बाबा साहब का मैं बहुत धन्यवाद हूँ। हमें कहा गया क्या, शिक्षित हो जाइए, शिक्षित संगठित और संघर्ष करो। हम शिक्षित हो गए लेकिन हमने संघर्ष करना सीखा ही नहीं। संघर्ष करना चाहिए। जब हमने हमारे डिपार्टमेंट में, प्रसार भारती में या हमारे DJAIR में, दूरदर्शन आकाशवाणी में देखा कि छोटी छोटी चीज़ों पे एनोमली है। SC ST की जो छोटी छोटी पद हैं उन पदों पे जनरल के लोगों की पोस्टिंग हुई है, प्रमोशंस हुए हैं, तब हम लोगों के ध्यान में आया कि रोस्टर में ध्यान दिए हैं। हमने कमीशन में जाके इसके बारे में हमारी हमने कमीशन में जाके वहाँ हमारी समस्या ये मांडी बताई, तो उन्होंने जब रोस्टर मांगे तो रोस्टर नाम की चीज़ ही हमारे आकाशवाणी दूरदर्शन के केंद्रों पर नहीं है, और ये रोस्टर सिर्फ 7 स्टेशन से मिले हम लोगों को। बाकी जो 53 स्टेशन है सिर्फ महाराष्ट्र जोन का, तो वहाँ रोस्टर का, रोस्टर नाम की चीज़ ही नहीं। तो आप किस तरीके से फिर प्रमोशंस करते हो, किस तरीके से पोस्टिंग करते हो, या किस तरीके से लोगों को रिजर्वेशन दिया जाता है? अगर आपके पास रोस्टर ही नहीं तो पोस्ट कहाँ से, और पोस्ट ही नहीं तो आप किसको कहाँ पोस्टिंग दे रहे हो? तो ये आप SC ST की पोस्ट खाए जा रहे हो और जनरल को पोस्ट दिए जा रहे हो। तो इन बातों पे हम लोगों ने यहाँ धरना प्रदर्शन किया है कि हमारा बैकलॉग है, जो हमारा बैकलॉग है जो भरा नहीं गया है, जैसे कि ग्रुप D MTS में बहुत 10 सालों से सारी पोस्टें खाली की खाली पड़ी हुई, और प्रसार भर्ती चाहे तो पोस्ट भर सकती है, लेकिन प्रसार भारती उसके लिए जो नियम लगते हैं भरने के लिए वो नियम ही जारी नहीं कर रही है, आदेश ही नहीं दे रही है, जो प्रसार भारती कर सकती है। तो इस और ग्रुप D में आता है SC ST का ज़्यादा संवर्ग, या वहाँ भी हमारा रिजर्वेशन ज़्यादा, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारी पोस्टें खा गई, हमारे लोग वैसे के वैसे ही उस चीज़ों से या उन पोस्टों से वो पोस्ट पूरी वैकेंट रह के थोड़े दिनों के बाद वो बैकलॉग वैकेंसी भी बंद हो जाएगी, पोस्ट ही नहीं रहेगी, डिमोलिश हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारी सारी की सारी पोस्टें ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो प्रसार भारती का धरना है या जो धरना हम कर रहे हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी रोस्टर पे आप इम्प्लीमेंटेशन कीजिए, जो हमारी रिक्रूटमेंट है उस पर आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, हमारे जो नियम्स है वो लागू कर दीजिए। तो ये सारी बातें हम प्रसार भारती के सामने आज जाहिर करने आए हैं, इसके लिए हमने आज आंदोलन किया है। आगामी योजना क्या रहेंगी अगर आपकी बातों को जैसे नहीं माना जा रहा है? अभी आपने मैडम देखा होगा कि जो UPSC से IAS और PCS वगैरह निकलते थे, अब तो BJP सरकार ने उनको भी बंद कर दिया गया है, तो अपने मन मर्जी के अधिकारी लगाएंगे, मतलब उनको IAS PCS या और कोई बनने की जरूरत नहीं है? नहीं, वही हो रहा है कि जो जो जिसका चाहता होगा वो जाके राज करेगा, बैठेगा, चाहे उसे दिमाग हो ना हो, चाहे उसे रूल्स रेगुलेशंस की जानकारी हो ना हो, तो UPSC भी ख़त्म हो जाएगी। मीन्स इनका ऐसे ट्रेंड चल रहा है कि UPSC भी ख़त्म हो जाएगी, IAS से जो अधिकारी आते थे वो भी ख़त्म हो जाएंगे, और सिर्फ जो धर्मांध कहते हैं क्या, जो सिर्फ एक जाति का राजकरण करते हैं वही लोग आके बैठ जाएंगे और वही राज करेंगे। तो अगर ऐसे हो जाता है तो हमने सोचा है कि अगर आज के धरना प्रदर्शन से कुछ सामने नहीं आता है या उनकी तरफ से कुछ बात नहीं चलती, तो हम 25 से आमरण उपोषण पर बैठ जाएंगे, और हमारे सारे साथी, आज तो थोड़े कम साथी लेकिन हमारे सारे साथी यहाँ आके यहाँ बैठ जाएंगे, और जब तक हमारी मांगे ख़त्म नहीं होती, पूरी नहीं होती, तब तक हम यही बैठे रहेंगे और अपने धरना प्रदर्शन को करते रहेंगे। मनीषा जी, क्या प्रसार भारती से अभी कोई इस तरीके का कोई अधिकारी या उनका कोई एक दूत आपके पास में आया कि भाई आप सीधी बात कर लो? सर, प्रसार भारती से कोई दूत नहीं आया, सुबह सिर्फ एक मैसेज आया कि आप
आप दो लोग आइए और बात कीजिए, लेकिन दो लोग जाके बात कैसे करें। हमारे साथ ऐसे भी हुआ था कि हम लोग पहले भी एक बार प्रसार भारती से बात करने गए थे और उन्होंने सारे बात को ही पलट दिया था। तो हम चाहते हैं कि हमारी जितनी कैडर्स है उस कैडर का एक एक बंदा रहे और वो जाके बात करे, ना कि दो या एक एक दो लोगों के बीच में बात हो। तो हमारी डिमांड है कि हम 6-7 जन जाके बात करेंगे तो ही हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे।